हाँ, तो ये से आप कह रहे थे कि इंटरनेट पे जो लोग अपनी जो टिप्पणियां हैं उसमें अपने अपने अहंकार समझते हैं कि स्वामी जी बड़े अहंकारी हैं या गुरु बड़ा अहंकारी है, ऐसा सोचते हैं। जो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी अपने आप में अंदर खुद अहंकार से भरा हुआ है, और जब कोई परमात्मा में जागा हुआ व्यक्ति उसके अंधेरे को, उसके अज्ञान को, उसकी निद्रा को, उसकी तद्रा को, उसकी बेहोशी को, है ना, जब वो व्यक्ति विरोध करता है इन चीजों का और इन चीजों से उसको जगाना चाहता है, तो व्यक्ति जो है ये सोचता है कि ये व्यक्ति अहंकारी है, संत अहंकारी है। जबकि ऐसा नहीं है, कबीर ने, नानक ने, सबने ही मतलब मूढ़ता का खंडन किया। और एक व्यक्ति जो जाग गया है, परमात्मा को जान गया है, वो सीधी सीधी बात कहेगा, वो घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता। तो उसकी जो सीधी सीधी बात है वो लोगों के मरम पे चोट करती है। जैसे कोई व्यक्ति रजाई ओढ़ के सो रहा है, अब आप उसकी रजाई खींचो, उसको नींद से जगाओ, तो वो चिढ़ जाएगा आपसे। हो सकता है कि वो उठ के आप में आप पे हमला भी कर दे। तो ऐसे ही जब अज्ञानी लोग हैं तो अधिकतर उन्होंने संतों को इसलिए नुकसान पहुंचाया कि उन संतों की जो बात है वो उनको झिंझोड़ती थी, जगाती थी। तो ऐसी कोई बात हम चिंता नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि जो हमारे वक्तव्य से, जो परमात्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति अगर हम में विश्वास करके हमारे पास आएगा तो हमारे लिए बस वो हमारा कहते हैं कि कार्य क्षेत्र होगा, उससे हम उसके जीवन में हम परिवर्तन करेंगे। जो लोग चिढ़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, भग जाएंगे, ऐसे लोगों की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरे संसार को बदलने के लिए कठे काम नहीं लिया। पूरा संसार तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी नहीं बदल पाया। इस संसार अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है। इस संसार में व्यक्ति के रूप बदल गए हैं, लेकिन व्यक्ति की आंतरिक जो मनोमालिन्य है, आंतरिक जो दुर्दशा है, आंतरिक जो विकार है, आंतरिक जीवन की जो अवस्था है, मूर्छा में जीने की, वासना में जीने की, कामना में जीने की और वृत्ति में जीने की, विचारों में जीने की, मन के उहापोह में जीने की, अशांति में जीने की, ये जो अंदर की अवस्था है वो बिल्कुल नहीं बदली है। और वो बदलती केवल उसी की है जो परमात्मा से वास्तव में बहुत समय से प्रेम करता है, पुकारता है परमात्मा को। तो परमात्मा उस पे द्रवित होकर उसको कोई सतगुरु की व्यवस्था करता है। और जिन लोगों ने परमात्मा को अनंत काल से पुकारा है, उनके लिए राम आए, उनके लिए कृष्ण आए, उनके लिए बड़े बड़े महापुरुष आए। अपना क्या है, अपन तो छोटे से सेवक हैं। अपन तो सिर्फ अंदर का जरा सा रास्ता दिखाते हैं, व्यक्ति स्वयं चल के परमात्मा जो उसके अंदर बैठे हैं आत्मा के रूप में। भगवान गीता में कहते हैं, जीवस्य जीवनो अहम् अहम् आत्मा गुणाकेशः सर्वतत् चात्मनि। तो उपनिषद कहते हैं सर्वखिल ब्रह्म, और रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, सोहम अस्मि इति वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो ये सोहम, शिवोहम और सर्वखिल ब्रह्म, ये सारी जो उद्घोषणा है ये अहंकार नहीं होती, ये परमात्मा की कृपा से किसी एक में, किसी एक समय में उसके प्यासे और प्यारे लोगों पर अनुकंपा के लिए उद्घाटित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। और जो लाभ उठाएगा वो उठा लेगा, और जो नहीं उठाएगा तो फिर हरिओम तस्।